वीडियो में आप सीखेंगे कि दो अंक का और तीन अंक का डिवाइड किस तरह से किया जाता है। एक डिवाइड आप में से ही एक साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा है, तो आइए वो दो अंक का डिवीजन है जिस उसी को हम पहले देख लेते हैं कि इसे किस तरह से हम कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है हमसे कि 98 56 को डिवाइड करना है किससे, 65 से डिवाइड करना है, 65 से। तो इसको हम डिवाइड किस तरह से करेंगे ये आप देखिए। अगर कोई भी डिवाइड हो, जोड़ घटाना कोई भी चीज हो, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाया जाता है, यानी सीधे से उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे। तो सीधे हाथ की तरफ आपके पास लिखा हुआ है 65, तो आप 65 सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद डिवाइड का सिंबल आप बनाएंगे। डिवाइड का सिंबल बनाया है, डिवाइड बनाएंगे, और उसके बाद आपके पास ये नंबर है, इसको इसके अंदर लिख देंगे 98 56। 98 56 हमने लिख दिया। उसके बाद मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ, वो भी आप यहाँ पर पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इस डिवाइड को कंप्लीट करेंगे। किसी भी डिवाइड को करने से पहले या कोई भी चीज को समझने से पहले आप ये देख लीजिए, कोई भी नंबर लिखा हो तो उसमें डेसिमल होता ही होता है, लेकिन अगर लगा है पहले से तो आपको दिखाई देगा, और अगर नहीं लगा हुआ है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि हर एक नंबर के सबसे राइट साइड में डेसिमल होता है। इसमें डेसिमल नहीं लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल दशमलव यहाँ पे होगा, और उसके बाद फिर जीरो 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 बहुत सारे लगे हुए हैं, और उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये जीरो लगे भी नहीं होते, इसलिए दशमलव भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दशमलव लगा के जीरो लगा दीजिए तब भी ये वही नंबर लिखा है, और अगर दशमलव ना लगाइए तो भी वही नंबर लिखा है। तो आप समझ गए कि इस नंबर के बाद यहाँ पे दशमलव होगा और ये 65 के बाद यहाँ पे डेसिमल होगा। तो हमें जहां भी जरूरत पड़ेगी अभी आगे, तो हम उसी तरह से जीरो का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए हम इसका डिवाइड किस तरह से करेंगे। डिवाइड करने से पहले आप यहाँ पे नजर डालेंगे, ये दो अंक का डिवाइड है, तो दो अंक लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला काम है आप यहाँ के दो अंक देखिए, यानी यहाँ पे दो अंक तक देखिए। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो हमने पहाड़ा इसका एक बार तो हम पढ़ ही सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा पहाड़ा हो, तो एक बार पढ़ेंगे, देखिए एक बार में ये इससे छोटा आएगा। अगर दो बार पढ़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 60 अगर मान लीजिए दो बार पढ़ेंगे तो 120 130 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ 98 लिखा है। तो हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे और 65 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसको लाइन खींचेंगे और घटा लेंगे, 8 में से 5 गया तो बचा 3, 9 में से 6 गया तो बचा 3, इस तरह से हमने घटा लिया। उसके बाद क्या किया जाता है, अगले नंबर को उतारा जाता है, अगला नंबर 5 है, हमने उतार लिया। उसके बाद अब हमें डिवाइड करने से पहले इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो वैसे ही बात जो मैंने आपको पहले ऊपर बताई, ये दो अंक का डिजिट है, तो दो अंक तो अब देखने से मतलब है नहीं हमारा। अब यहाँ पे तीन अंक लिखे हुए हैं, मगर हम क्या करेंगे, 65 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप नजर डालिए, ये दो अंक का डिजिट है और इसका पहाड़ा हमें नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ लास्ट वाले नंबर को मान ले रहे हैं कि जीरो लिखा हुआ है, अपने मन में 2 मिनट के लिए सिर्फ मान ले रहे हैं, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 हम यहाँ अलग लिख ले रहे हैं। कहाँ पे लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ मान लीजिए 6 लिखा है, 5 नहीं लिखा है। उसके बाद डिवाइड के अंदर आपके पास यहाँ पे आपने इसके सिर्फ आखिरी वाले एक नंबर को जीरो माना है, इसलिए इसके भी आखिरी वाले नंबर को जीरो मान लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 33 लिखा है, तो हमने मान लिया 33 लिखा हुआ है। अब हमें 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 33 आए या 33 से कम आए। ये चीज सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अभी यहीं पे हम करेंगे, आप देखिएगा। तो 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, या तो 33 आए, 33 से कम आए। तो 6 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 5 30, ये हमारा आ गया। 6 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते तो 36 ज्यादा हो जाता, इसलिए हम कम पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 30 आ गया। तो ये चीज हमने क्यों किया, ये आपको ये समझाने के लिए किया कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ो या तो ऊपर वाले नंबर के बराबर आए या ऊपर वाले नंबर से कम आए। तो यहाँ पे हमने अंदाजा लगा लिया कि 30 आ जाएगा 5 बार पहाड़ा पढ़ने पे, यानी कि हमें यहाँ पर 5 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये सिर्फ अंदाजा लगाया है हमने। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है, 6 का 5 बार पढ़ा पढ़ा 30 आया, इसका मतलब ये है कि 5 और ये 6 इस 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 30 आएगा। 6 5 जा 30, यानी 6 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए या 5 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिए तभी तो ये नंबर आया। तो इसीलिए हमने ये अंदाजा लगा लिया, 5 बार हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब इस 5 का इस पूरे नंबर में आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। सिर्फ हम अंदाजा लगाते हैं क्या, किस तरीके से,
इसके लास्ट वाले नंबर को जीरो मान लिया, इसलिए इसके भी लास्ट के नंबर को जीरो माना। 6 5 30 और यहाँ लिखा है 33, यानी 5 बार ही पहाड़ा पढ़ना है। बस सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 का 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 की 5 हासिल लगी 2 5 6 30 और 2 32 हो गया। अब यहाँ लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे, घटाने के बाद यहाँ पे 0 बचा, इसको हटाएंगे 1 बचा, इसको घटाएंगे कुछ नहीं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर 6 उतार लेंगे, तो यहाँ 106 हो गया। फिर वही काम करेंगे, इसके लास्ट वाले नंबर को 0 मान लेंगे, क्योंकि इसके लास्ट वाले एक नंबर को 0 माना है, इसलिए इसके भी लास्ट वाले एक नंबर को 0 मानेंगे। अब मान लीजिए हमको सिर्फ 10 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और लिखा तो 10 है, यानी कि पहाड़ा हमें सिर्फ एक बार ही पढ़ना है। तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 65 है, तो 65 ही आ जाएगा यहाँ पर। फिर लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे, घटाने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। फिर लाइन को आगे खींचेंगे और अगला नंबर उतारेंगे, और अगला नंबर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर नंबर तो लिखा हुआ है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर आपने पहले समझ लिया होगा तो दिखाई दे रहा होगा, और सही से वीडियो को नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ नंबर नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में यहाँ पे दशमलव होता है, और उसके बाद में फिर 0 0 0 लगे होते हैं, और जितने भी नंबरों की जरूरत पड़ेगी उतने हम 0 आगे उतार लेंगे। तो यहाँ 6 तो हम उतार चुके थे, उसके बाद अगला नंबर है 0, मगर 0 से पहले दशमलव लगा है, इसलिए आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, और उसके बाद अगला नंबर यहाँ पे हमें उतारना है, अगला नंबर हमने 0 उतार लिया, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट वाले इस नंबर को 0, इस वाले नंबर को 0 मान ले रहे हैं 2 मिनट के लिए। 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 41 आए या 41 से कम आए, तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 36 आ जाएगा, 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 42 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 का पहाड़ा 6 6 बार पढ़ेंगे 6 6 36 होता है, तो हमारा काम चल जाएगा। अब हम 6 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे, 6 5 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 6 36 और 3 39 आ जाएगा। इसको लाइन को खींचेंगे, घटा लेंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये 20 है। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर फिर उतार लेंगे, अगला नंबर फिर ये 0 है, ये वाला 0 फिर से यहाँ उतर जाएगा, ये 200 हो गया। फिर इसके लास्ट वाला जो नंबर है इसको 0 मान लेंगे अपनी समझ के लिए, फिर 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 20 आए या 20 से कम आए, तो 6 3 18 होता है, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, 3 5 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 6 18 और 1 19 आ गया। इसको लाइन को खींचेंगे और यहाँ पे घटाने का मन है तो आप यहाँ पे घटा कर लिख सकते हैं यहाँ पर, और नहीं मन है तो कोई जरूरत नहीं है, 3 ही बार आपका ये जाएगा डिवाइड और आपका आंसर दशमलव के 2 अंक तक निकल कर आ गया है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको डिवाइड समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किया जाता है। आइए अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।